निशा रसोई की आज की रेसिपी है पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी की सब्जी है 250 ग्राम। मैं आपको इसको काट कर और सारे मसाले दिखाती हूँ। पत्ता गोभी को मैंने काट ली हूँ और इसको धोकर रख दी हूँ। और ये 3 टमाटर है, इसको मैं चॉप करके रख ली हूँ। एक छोटा कांदा है, इसको भी मैं चॉप करके रख ली हूँ। अदरक है, इसको भी मैं चॉप करके रख ली हूँ। ये लहसुन है, इसको भी मैं चॉप करके रख ली हूँ। कड़ी पत्ता है, ये 2 हरी मिर्ची है, ये ज़ीरा और ये राई है, ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्ची पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये हींग है और ये नमक है। 1 चम्मच भर के मैंने ऑयल ले ली हूँ और मैं ज़ीरा और राई इसमें डालूँगी। अब इसी के साथ मैं कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी, लहसुन भी डाल दूंगी, अदरक भी मैं डाल दूंगी। तो मैं थोड़ा सा भून लूंगी। अदरक लहसुन और राई मैंने भून चुकी हूँ। अब मैं इसमें कांदा भी कटा हुआ डाल दूंगी और इसके साथ हरी मिर्ची भी डालकर मैं थोड़ा कांदे को भून लूँगी। प्याज इतनी हो चुकी है, अब इसमें मैं हींग डाल दूँगी। हींग को भी डाल के भून लूँगी और सारे में सूखे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर डाल दूँगी। इसको भी मैं भूनूंगी। टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसाले मैं भून ली हूँ। अब इसी के साथ मैं पत्ता गोभी भी डाल दूंगी। आप चाहे तो ये पत्ता गोभी को चने की दाल में भी बना सकते, आलू में भी बना सकते। बाकी मैं ऐसी ही सब्जी को बना रही हूँ। मसालों में मैंने पत्ता गोभी को मिला ली हूँ। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट पका लूँगी। अब मैं सब्जी को सारे मसालों के साथ भून चुकी हूँ। अब मैं इतना ही पानी डालकर सब्जी में को दम पर स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। पत्ता गोभी की सब्जी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पत्ता गोभी की सब्जी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा धनिया डाल दूंगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जाके लाइक और फॉलो करो।